बस। लेकिन जब भी कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो लगती कथा नहीं है। 4,500 वर्ष सोचिए, लेकिन जब भी आप कथा सुनो तो कथा लगती आज भी रो नहीं है। जैसे कि हम वृंदावन में बैठे हैं और कन्हैया और राधा रानी का समागम है, ब्रिजधरा में हम लोग बैठे हुए हैं, ब्रिजधाम में बैठे हुए हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। ये प्रभु की कृपा ही तो है। कल मैं कह रही थी कि कथा सुनाने वाले सुखदेव जी हैं। ये सुखदेव जी कौन है? और परीक्षित जी के बारे में मैंने थोड़ी सी बताई थी कि परीक्षित जी को सांप लगा था, आज उनकी कथा को श्रवण करेंगे हम। सुखदेव, सुख मने सुगना तोता, देव बने महादेव। एक बार प्रभु ने सती मैया को कहा कि मैं तुझे अमर कथा सुनाता हूं। वो अमर कथा को सुनाने के लिए भगवान जब कैलाश पे बैठे तो मैया को प्रभु ने कहा कि आप देख लो कि यहां कोई भी पक्षी चराचर कुछ तो नहीं है। मैया ने कहा स्वामी कोई भी तो नहीं है, लेकिन वहीं पे एक छोटा तोते का बच्चा जो एकदम ही एक दिन का रहा होगा, जिसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, उसको मैया ने नहीं देख पाया। हमारे महादेव जी कथा को सुनाने लगे। कथा जब प्रारंभ हुई तो महादेव जी ने कहा कि सती जी आप हुकारी भरिएगा। मैया ने कहा ठीक है। कथा प्रारंभ हुई, मैया ने प्रथम दिन सुना, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन होते होते मैया ने, क्योंकि मैं कही ना कि कथा तो आनंद देने वाली, नींद आ जाती लोगों को, मैया को भी नींद आ गई। 3 दिन में उस तोते के बच्चे को लगा कि अगर मां ने जो बाबा से वादा किया है कि मैं हूं करूंगी और वो नहीं कर पा रही तो बाबा क्रोधित हो जाएंगे, तो तोते के बच्चे ने करने लगा और कथा पूर्णावती हो गई, विश्राम हो गई। जब कथा विश्राम हुई तो बाबा ने कहा कि बताओ कथा कैसी लगी मेरी कन्हैया की। तो मैया ने कहा कथा विश्राम हो गई, बाबा को पता लग गया कि कथा इसने सुनी ही नहीं। बाबा क्रोध में आ गए, किसने कथा सुनी है, कौन किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मुझसे बिना पूछे हुए कथा का श्रवण पान कर लिया। और देखते ही देखते बाबा क्रोधित हो गए, त्रिशूल हाथ में उठाया और उस छोटे से तोते का उसी वक्त आंखें खुली और उड़ गया वो। अब आगे आगे तोता वो सुगना भाग रहा है और पीछे पीछे महादेव त्रिशूल लेते हुए भाग रहे। अरे रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो, बिना पूछे मुझसे तूने कथा सुन ली, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और देखिए वो तोता उड़ता हुआ वायु से, माने आसमान से वायु वेग से मृत भूमि की ओर आ रहा है। नीचे में व्यास नंदन
जो है उनकी जो पत्नी है वो अपने केसों को सुखा रही थी स्नान करके, वो मुंह खोलकर अपने बालों को सुखा रही थी और वो सुगना आकर उनके मुंह के द्वारा उनके घर में आके स्थापित हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख के द्वारा आकर गर्भ में आकर स्थापित हो गया। तो व्यास जी बाहर बैठे हुए थे, बोले क्या बात है, किसको खोज रहे हैं आप? तो जानते हैं व्यास जी ने कहा कि मैं पूछ रहा हूं महादेव जी कि आप यहां क्या कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप यहां क्या कर रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा एक चोर आया है, मेरा एक चीज चुरा के भागा है, एक चोर आया है और मेरा एक चीज बिना पूछे ले लिया है और वो आपके घर में ही घुसा है। अंदर में सुखदेव जी बैठे हुए हैं, कह रहे बाबा अब आप बाहर बैठो, मैं तो अंदर हूं। बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम कब तक अंदर रहोगे, मैं भी बाहर बैठूंगा समाधि लगा के। तो उसने कहा मैं तो निकलूंगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं। अब एक वर्ष बीत गए, दो वर्ष बीत गए, बाबा ने कहा कि अब तो यहां मैं क्या करूं। थक कर बाबा भोले चले गए कैलाश पे और ये जो सुगना था, तोते का जो बच्चा था, अब उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब व्यास जी की पत्नी को तकलीफ होने लगा, एक वर्ष बीते, अब डर से निकल नहीं रहा बाहर। ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष का गर्भ हो गया व्यास जी की पत्नी को। अब वो परेशान रहने लगी, जितने भी देवता लोग घबराने लग गए। अब क्या किया जाए, कैसे उनको निकाला जाए, कैसे उनको बाहर निकाला जाए। बहुत ही निवेदन किए सब देवता लोग मिलके, तब जाकर प्रार्थना करी व्यास नंदन जी ने। प्रार्थना की कि हे सुखदेव जी आप बाहर निकल जाइए, अपनी माता को कष्ट मत दीजिए। तो उन्होंने पेट से ही कहा, अंदर से ही, कि पिताश्री मैं निकलते ही वन को चला जाऊंगा, क्योंकि इतनी गंदगी में मैं पड़ा हुआ हूं और बाहर इससे ज्यादा गंदगी होगी। तो आप वादा करें कि मैं निकलते ही वन को चला जाऊंगा। जब मां के पेट में इतनी गंदगी है और इतना तकलीफ है तो मृत लोक में कितना तकलीफ होगा, और फिर जीना, फिर मरना, क्योंकि हम बार बार मरते हैं, बार बार जीते जन्म लेते हैं और मां के पेट में उल्टा लटके रहते हैं। ये कष्ट से बढ़िया कि एक बार भगवान का नाम मैं अंदर में ले रहा हूं और बस भगवान को ही प्राप्त करना चाहता हूं। बहुत हाथ जोड़ा और तब जाके सुखदेव जी बाहर निकले। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। निकले तो 12 वर्ष के, जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करें, शिव करें, उसको कोई मार सकता है क्या? वो तो अमर हो गए। और जो कथा उन्होंने भगवान शिव से सुन ली, अब उनका क्या कहना। आहा, वो तो सीधे नंगे, जन्मे नंगे चलने लग गए। उन्हें ये भी नहीं पता है कि मृत लोक में कपड़े भी होते हैं, नारी कौन है, नर कौन है, उन्हें कुछ भी पता नहीं। वो तो कहते हैं जैसे शास्त्रों में लिखा है कि बहुत सी महिलाएं स्नान कर रही थी तालाब से मैं, और सुखदेव जी जो हैं, इसीलिए सुखदेव जी को समझ नहीं आया कि मां के पेट में जो है बाहर क्या है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि तालाब में उन्हें गंदगी ही दिख रहा है। स्त्रियां नहा रही हैं लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो उन्हें पता ही नहीं है स्त्री या पुरुष क्या है। सीधे वन को चले गए और चूंकि
सुगना जो बना वो तोते का बच्चा था। भगवान प्रभु की कृपा से मनुष्य रूप में जन्म लिए और भगवान के ही एक अंश थे वो, उनकी कृपा से। इसलिए सुग मने सुगना और देव मने महादेव, इसलिए उनका नाम पड़ा सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की। तो ये सुखदेव मुनि, अब देखिए ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई आप कर लो, कोई भी पढ़ाई करता है तो लगता है कि वो कार्य मुझे करने को मिल जाए। सुखदेव जी तो कथा पूरा श्रवण कर चुके थे और कथा श्रवण करने के बाद उनके दिल में ऐसी अभिलाषा है कि मैं कथा किसको सुनाऊं। हालांकि व्यास जी बोले कि पुत्र तुम, मुझे भी इच्छा है कि तुम्हारी मैं विवाह कर दूं, मेरे भी पोते पोतियां हो, लेकिन वो अपने पिता की बात माता की बात नहीं माने, वन को चले गए और फिर जाके तपस्या में लीन हो गए। कि ईश्वर कहाँ है, किसे मैं सुनाऊं ईश्वर की कथा को, ये अमर कथा किसे सुनाऊं। तो मैं कल कही कि परीक्षित जो है वो बहुत ही, ये उत्तरा के पुत्र है, उत्तरा के पुत्र है। और जब उत्तरा के पुत्र गर्भ धारण की और परीक्षित जी माँ के पेट में जब थे तो स्वयं हमारे विष्णु भगवान सूक्ष्म भाव में आकर उनकी रक्षा की, क्योंकि पांडवों का वंश एक भी नहीं था और यही एक वंश था। अब ये इनकी रक्षा भगवान स्वयं किए और पेट में भी रक्षा करते रहे। और जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उनको भला कोई छू सकता है क्या? कोई नहीं छू सकता। मेरे भाई बहन, भगवान के कृपा पात्र बनो, क्योंकि ईश्वर ऐसे हैं जो कभी धोखा नहीं देते, वो हमेशा साथ चलते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। आपने कभी हवा को देखा है क्या? देखा है? नहीं। खुशबू को कभी देखा है, महसूस किया है? ईश्वर को हम लोग कोई देखे नहीं है, लेकिन ईश्वर को हमने महसूस किया है। वो प्रतिमा के रूप में दिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे साधक, ऐसे बड़े बड़े संत होते हैं जिन्होंने महसूस किया है। जैसे मैं कल हरिदास जी की कथा सुना रही थी कि भगवान आके बात करते थे, चैतन्य महाप्रभु उनसे कृष्ण बात करते थे, मीराबाई जी से बात करते थे। तो भगवान के सानिध्य में रहने की आदत डालो, जो आपके साथ जाएगा। हम माया में फंसे रह जाते हैं, तो परीक्षित जो है वो उत्तरा के बेटे, जब उनका जन्म हुआ होने के बाद एक अच्छे राजा बने और कितने अश्वमेध जग किए उन्होंने, कितने किए। उनके शासन में, उनके राज्यकाल में जब चल रहा था तो एक भी दुखियारा नहीं था, कहीं भी दुख नाम का चीज नहीं था। लेकिन एक बार वो ऐसे ही भ्रमण करने के लिए निकले तो देखा कि एक शूद्र हाथ में एक डंडा लेकर एक गाय को लात से और हाथ से डंडे से मार रहा, लात से मार रहा है, मारते हुए। और गाय बिचारी के तीन पैर जो हैं वो नहीं है, एक पैर से खड़ी है वो। बगल में एक बैल भी है, कह रहा है कि देखिए पहले जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, तो कितनी दया
पवित्रता, सत्य और आनंद, ये चार रूपी पैर थे। आइएगा। लेकिन आज इस कलयुग में, अब कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए मेरे तीन पैर अब नहीं है, अब सिर्फ बच गया है सत्य यानी ईश्वर। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है, और अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि दया हम करते नहीं, धन को अच्छे कार्य में लगाते नहीं, अच्छा कार्य करना चाहते ही नहीं। तो ये वो क्षुद्र मार रहा डंडे से और गौ माता करा रही है। कितना सुंदर वो समय था जब सतयुग द्वापर और त्रेता था। इस कलयुग में मेरी क्या हालत हो गई है। उसी वक्त परीक्षित जो है वहां आते हैं और कहते हैं कि ये कौन है और मेरे राज्य में रहकर इस तरह के गलत कार्य कर रहा है, डंडे मार रहा है गौ माता को, आप मेरे सीमा से बाहर निकल जाइए, मेरे रहते गौ माता पे कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तब वो कहता है कि मैं तो कौन हूं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। और परीक्षित जो है बड़ी दयालु धर्मात्मा राजा है, इनकी प्रजा बड़ी सुखी है, तो दयालु भी है, क्योंकि ये जानते हैं कि मनुष्य का जन्म कितना कष्ट से होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति मनुष्य रूप में आता है, तो उन्हें मनुष्यता होकर एक राजा बनकर एक अच्छा कार्य कैसे करना चाहिए ये उन्हें पता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम मेरे राज्य में क्या कर रहे हो। कलयुग उसके पैर पे गिर जाता है, उनके पैर पे, और गिरते कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम कौन हो बताओ तो। कहता है प्रभु मैं हूं कलयुग, कलयुग का प्रारंभ हो गया, मैं कलयुग हूं। कलयुग तो यहां क्या कर रहे हो, हमारे राज्य में कलयुग के कोई स्थान नहीं। और आज जो परीक्षित हैं कलयुग को देख के बड़ा चिंतित हो जाते हैं। इतने दिनों से उन्होंने कभी भी स्वर्ण का मुकुट नहीं पहना था, लेकिन आज परीक्षित जी एकदम बड़ी मन से अपने राजघराने के वो मुकुट को पहने हैं। तो कलयुग तो जान रहा है कि आज राजा सही वक्त पे आए हैं। कहते हैं कि कलयुग का क्या काम, क्या काम है यहां पे, तुम जाओ। तो परीक्षित जी के बार बार कहने के बाद भी कलयुग कहता है कि आप तो क्षमा जब कर दिए हैं तो मुझे भी कोई स्थान दीजिए। तो कहते हैं कि मैं कौन सा स्थान दूं, क्योंकि कलयुग में जहां जहां लोग शराब का सेवन करेंगे वहां वहां जाके तुम रहो। जहां जो पुरुष दूसरी स्त्री के साथ गलत कार्य करेगा तुम वहां जाके रहो। जहां लोग जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, तुम वहां जाकर रहो, ये तुम्हारा स्थान होगा। परीक्षित कहते हैं कि कलयुग में यही तो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं, बोलिए बोलिए। तो हो रहा है। तो कलयुग कहता है प्रभु आपने तो मुझे सारी गंदी स्थानों को आपने मुझे दिया है, कोई तो एक स्थान दीजिए जहां मुझे भी लोग पसंद करें। अब परीक्षित सोच में आ गया कि मैं कौन सा स्थान दूं इन्हें। तभी प्रभु
तभी कलयुग ने कहा, प्रभु अगर आप कहें तो कलयुग में मैं स्वर्ण में आ जाऊं क्या? और बात ही बात में परीक्षित जी ने कह दिया कि ठीक है, तुम्हें एक स्थान देता हूं, तुम स्वर्ण में रहो। स्वर्ण माने सोना, सोना सोना बोलते ही कलयुग परीक्षित के मुकुट बजा के बैठ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जो भी माताएं भाई बहन जिनके पास सोना ज्यादा है, देखिए उनका घमंड कितना है। सोना कलयुग का ही एक रूप है, क्योंकि सोना पहनने वाले को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सोना गलत कार्य करवा देता है। कलयुग का प्रभाव सोने में है। और देखिए मुकुट में जब बैठ गया, सोने का मुकुट था, परीक्षित जैसे ही सोने में आके वो अपना स्थान लिया तो परीक्षित जी को लगा कि आज मुझे शिकार खेलना है। बैठते ही साथ उसका प्रभाव देखिए, मुझे शिकार करना है। और तुरंत वो घर पे आए और तीर धनुष लेके, जो कि कभी जीव हत्या नहीं करते थे, तीर धनुष लेके आज जंगल में चले गए हैं शिकार करने के लिए। मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई परीक्षित की। और वो निकले हैं, राजा इतने अच्छे थे, कभी जंगल में गए नहीं, जंगल में जाकर रास्ता भटक गए। भूख प्यास लगने लग गई, भूख से तड़पने लग गए, सोचा कहाँ जाएं, रास्ता भटक गए। देखा एक झोपड़ी दिखाई दी, उनके मन में आया कि झोपड़ी तो है तो कोई साधु संत रहते होंगे। आज परीक्षित ने आवाज लगाई, कोई है क्या इस कुटिया के अंदर, कोई संत महात्मा? मुझे जोरों से प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? और वहां पे देखिए संत बैठे हैं, महात्मा ध्यानिष्ठ रूप में बैठे हैं, समीक मुनि जो हैं वो ध्यान में बैठे हैं। तो राजा के ऊपर तो कलयुग सवार है, कलयुग का प्रभाव है, उनको समझ नहीं आ रहा। और क्रोधित हो, क्रोध हमेशा गलत कार्य कराता है। देखिए क्रोध में आप गलत शब्द का उपयोग ना करें, और खुश ज्यादा हो तो कोई वादा ना करें, क्योंकि अगर ज्यादा खुशी में आप एक्साइटमेंट बोलते ना आ गया अगर, और बोल दें और पूरा नहीं कर सके तो आपकी वाणी बेकार हो जाएगी ना। तो जब ज्यादा खुश हो तो कोई ऐसा शब्द ना बोले जो आप उसको पूरा ना कर सके, और क्रोध में भी कोई ऐसा कार्य ना कर दें जो कभी भी दोबारा लौट कर वो पूरा ना हो सके। कमान से निकला तीर फिर कभी वापस नहीं आता। अब देखिए परीक्षित जी क्या कर रहे हैं, उन्हें क्रोध आया। बगल झाड़ी में एक सांप मरा पड़ा था, उस सांप को उठाए और उस संत के गले में डाल दिया, समीक मुनि जी के गले में डाल दिया। उनका पुत्र था सिरंगी, जब उन्हें पता चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने कहा कोई राजा है, किसी ने कहा कि परीक्षित जी हैं, उन्होंने जल लिया और अपने तप से उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, सातवें दिन तक्षक सांप उसे डस लेगा। श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद अब तो वापस हो नहीं सकता है। समीक मुनि जी जो थे ना, वो हम कभी कभी मिलते थे परीक्षित से, क्योंकि परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे, यज्ञ हवन करवाते थे।
तो आज पूरे पूरी जगह में खबर फैल गई, देवलोक हो भूलोक हो, कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा और सातवें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जितने बड़े बड़े संत महात्मा अब परीक्षित से मिलने आने लगे कि अगर डस लेगा तो क्या किया जाए। देवता लोग मिलने आ रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग मिलने आ रहे हैं, जो जिन्होंने सुनी ये बात, क्या किया जाए, ये सात दिन में क्या किया जाए। और आज परीक्षित खूब हंस रहे हैं घर में, तो रानी कहती है कि ये बताइए कि आप इतनी जोर से आज क्यों हंस रहे हैं। तो परीक्षित की पत्नी कहती है, पूछी तो परीक्षित अपनी पत्नी से कह रहे हैं, बात असल ये है कि मुझे सात दिन का अवधि मिला है, तो इसमें हंसने की कौन सी बात है। बात ये है कि किसी भी जीव को ये पता नहीं है कि उसकी मृत्यु कब हो जाए। पता है, जन्म का तो कुछ पता भी होता है, मृत्यु कोई पता है। आप सुनते होंगे, अभी मिले हैं, कल उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब होगी ये किसी को पता नहीं। जन्म की अवधि पता होती है। तो परीक्षित जी ने कहा कि मुझे दुख है कि मैंने गलत कार्य किया, लेकिन मुझे ये लग रहा कि मैं सात दिन तक तो मुझे कोई मौत दे ही नहीं सकता, मैं सात दिन के लिए सुरक्षित हूं। लेकिन हम और आप तो सुरक्षित नहीं है, हैं क्या? नहीं है। तो इस सात दिन में क्या करना चाहिए? तो सबों ने, सब संतों ने कहा